जैसा कि आपने बड़े बड़े सर्वरों में देखा होगा कि वो जब भी मेंटेनेंस पे जाता है तो कुछ ऐसे मेंटेनेंस लीक के आता है और यहाँ पे वी विल बी बैक सून या फिर कितने सारे टाइम में सर्वर स्टार्ट होगा वो यहाँ पे लीक के आता है। और जब भी सर्वर मेंटेनेंस पे होता है तो हम लोग तो ज्वाइन नहीं कर पाते, बट जो सर्वर के ऑनर या डेवलपर है वो लोग तो ज्वाइन करके सर्वर को ठीक कर रहे होते हैं। तो ये सब कुछ कैसे आप अपने अटेंडर सर्वर या फिर किसी भी अलग होस्टिंग के सर्वर में कर सकते हो ये आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। और आज की वीडियो का लाइक गोल है 200 लाइक, तो प्लीज 200 लाइक 24 घंटे के अंदर करवा देना। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो देखो गाइस, इसको करने के लिए एक प्लगइन आपको अपने सर्वर में डालना होगा जिसका नाम मेंटेनेंस ही है, ठीक। तो आप एक काम करो, मतलब इस प्लगइन का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप अलग होस्टिंग यूज करते हो तो इस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके प्लगइन को डाउनलोड कर लेना। और अगर आप अटेंडर्स यूज करते हो तो आप मेंटेनेंस बस कॉपी कर लेना और अटेंडर्स सर्वर में जाना, प्लगइन पे क्लिक करके प्लगइन में जाना और मेंटेनेंस लिख के यहाँ पे मेंटेनेंस सर्च करना। तो यहाँ पे इतने सारे प्लगइन आएगा, आपको कोई भी यूज नहीं करना, आपको सेकंड पेज के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको मेंटेनेंस बंजी लिख के आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है और जो इसका लेटेस्ट वर्जन है उसको अपने सर्वर में डाल देना है, ठीक। ये वाला प्लगइन और ये वाला प्लगइन सेम प्लगइन है। अब इस दोनों में से अगर अटेंडर्स यूज करते हो तो इस वाले को यूज करो, अलग होस्टिंग यूज करते हो तो लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे जाओ और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके प्लगइन को डाउनलोड कर लो। और अटेंडर्स में मैं प्लगइन समझ लो डाल तो दिया हूं, पर अटेंडर्स में मैं आपको ट्यूटोरियल करके यूज करके नहीं दिखाऊंगा, बाकी सब चीज सेम है। बस आप अटेंडर्स में प्लगइन डालना है, सर्वर को रिस्टार्ट करना और जो भी काम है वो सर्वर के अंदर करना है, सर्वर ज्वाइन करके, ठीक। तो सर्वर में ज्वाइन करके अटेंडर्स में तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अटेंडर्स में दिक्कत आ रहा है, आपको पता ही है, वेटिंग इन क्यू, और इतना वेट करने का मेरे पास टाइम नहीं है और वैसे भी आज का वीडियो थोड़ा लेट आने वाला है 5 बजे तक। तो मैं आपको ये कैसे यूज करना है वो मैं आपको डार्क होस्टिंग के प्रीमियम सर्वर में बताऊंगा। डार्क होस्टिंग का अगर आपको नहीं पता तो इनका मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें आप फ्री के 4 GB रैम वाले सर्वर भी यूज कर सकते हो क्योंकि प्योर 24/7 है और 200% CPU भी मिलता है। पर मैं प्रीमियम वाला यूज कर रहा हूं तो आप बहुत सस्ते में प्रीमियम सर्वर भी उनसे खरीद सकते हो और ये काफी ज्यादा फास्ट है। देखो मैंने 8 GB रैम वाला खरीदा है और इसी में मैं आपको ट्यूटोरियल बताऊंगा, ठीक। तो आपको यहां से प्लगइन डाउनलोड करना है और आप डार्क होस्टिंग या फिर कोई सा भी होस्टिंग अगर यूज करते हो तो उसके फाइल पे क्लिक करके फाइल में जाना या प्लगइन का फोल्डर होगा उस पे क्लिक करके उसके अंदर जाना और यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन होगा, अपलोड पे क्लिक करके मेंटेनेंस वाले प्लगइन जो आपने डाउनलोड किया है उसको यहाँ ओपन करके इसके अंदर डाल देना। ये जैसे इसके अंदर यहाँ पे अपलोड हो गया उसके बाद फिर कंसोल में जाओ और सर्वर को एक बार रिस्टार्ट पे क्लिक करके रिस्टार्ट कर दो। अब आपका अटेंडर्स में भी प्लगइन डाल के रिस्टार्ट कर लो और अगर अलग होस्टिंग है तो वहां पे भी डाल के रिस्टार्ट कर दो। अब सर्वर रिस्टार्ट होने के बाद जो भी काम है वो सर्वर के अंदर है, तो हम सर्वर को ज्वाइन करते हैं फिर आपको बताते हैं कि अब आपको कैसे क्या करना है, ठीक। लेट्स गो। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो इतना जल्दी हमारा सर्वर स्टार्ट रनिंग हो चुका है, तो अब हम अब यहाँ से आईपी यहाँ पे कॉपी कर लो, मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाल के रखा हूँ, आईपी देख लो सेम आईपी है, वही आईपी है, डन करूंगा। एंड इसके बाद मैं ज्वाइन सर्वर पे क्लिक करूंगा, हमारा सर्वर यहाँ पे ज्वाइन होगा और ज्वाइन होने के बाद मैं यहाँ पे ऑन हो चुका हूँ, तो मैं एक बार दिन कर लेता हूँ एंड वेदर भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक, वेदर क्लियर। देखो तो आप सर्वर ज्वाइन होने के बाद सबसे पहले तो आप ऑपरेटर बन जाना, ऑपरेटर बनने के बाद आप /PL लिख के इंटर करोगे तो कौन कौन सा प्लगइन है वो दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेंटेनेंस का प्लगइन है। अब आपको मेंटेनेंस में सर्वर डालने के लिए आप बस /maintenance स्पेस सारे ऑप्शन आ जाएंगे और जिसमें आपको ऑन लिख के इंटर कर दो तो आपका सर्वर मेंटेनेंस पे चला गया। अब अगर आप ऑपरेटर हो, ऑपरेटर होके लिफ्ट कर दोगे तो ऑपरेटर जो बंदे हैं वो मेंटेनेंस में भी सर्वर को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक। तो मैं ऑपरेटर हूँ तो देखो अब मैं बैक करके रिफ्रेश कर रहा हूँ तो सर्वर मेंटेनेंस पे है और मैं ऑपरेटर हूँ इसलिए मैं सर्वर को अगेन ज्वाइन भी कर पा रहा हूँ जबकि सर्वर मेंटेनेंस पे है, ठीक। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे DOP हो जाता हूँ, समझ लो मैं यहाँ पे DOP पहले ऑफ करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे ऑन है फिर मैं यहाँ पे ऑन की जगह ऑफ लिख दूंगा, ऑफ लिख के इंटर कर दूं तो अब मेरा मेंटेनेंस से हट चुका है। अब मैं बैक करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो देखो हमारा सर्वर नॉर्मल ऑनलाइन दिखा रहा, मतलब मेंटेनेंस पे नहीं है, ठीक। बट समझ लो मैं मेंटेनेंस पे कर देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे मैं मेंटेनेंस ऑन कर दिया और उसके बाद मैं DOP संजीव गेमिंग YT हो गया और उसके बाद मैं सर्वर लिफ्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो मेंटेनेंस पे दिखा रहा और मैं जब ज्वाइन करूंगा तो सर्वर ज्वाइन भी नहीं होगा, लीक आएगा द सर्वर इज करेंटली अंडर मेंटेनेंस, ट्राई अगेन लेटर। मतलब आप ऑपरेटर बनोगे तो ही सर्वर ज्वाइन कर पाओगे, अगर आप ऑपरेटर नहीं हो पर आप अपने एडमिन लोग को चाहते हो कि वो भी आपके सर्वर में आए बिना ऑपरेटर बने तो उसका भी जुगाड़ है, डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ, बस वीडियो को पूरा देखना, ओके। तो मैं दोबारा यहाँ पे ऑपरेटर बन जाता हूँ, एक मिनट, ऑपरेटर मैं बन गया, ऑपरेटर बन के फिर मैं अपने सर्वर को ज्वाइन करूंगा। तो मैं मेंटेन पे होने के बावजूद भी सर्वर ज्वाइन कर लिया, पर मैं चाहता हूँ मेरे कुछ ऐसे ऑपरेटर है जो कि जिनको मैं ऑपरेटर नहीं दे सकता बट वो हमारे सर्वर मेंटेन में ज्वाइन करके हमारा हेल्प कर पाए, तो उसके लिए आप कर सकते हो यहाँ पे /maintenance लिखना और मेंटेनेंस लिख के एड लिखना, एड लिख के जिसका
साथ जिसको भी आपको व्हाइट लिस्ट करना है कि वो मेंटेनेंस में भी आपके सर्वर में ज्वाइन करके खेल पाए, उसका नाम लिख दो। तो मैं खुद ही का नाम यहाँ पे लिख के इंटर कर दूंगा। तो मेरा नाम मेंटेनेंस मैडम ऐड हो चुका है। अब अगर मैं डीओपी होता था डीओपी संजीव गेमिंग वाइट और उसके बाद सर्वर लेफ्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे देखो अभी भी मेरा मेंटेनेंस दिखा रहा, पर फिर भी मैं ज्वाइन करूंगा तो ज्वाइन हो जाऊंगा क्योंकि मैं खुद को व्हाइट लिस्ट कर चुका हूँ। ठीक, अभी देखो मैं ऑपरेटर नहीं हूँ फिर भी मैं ज्वाइन हो गया। तब मैं दोबारा ऑपरेटर बन जाता हूँ, एक मिनट, तब मैं ऑपरेटर बन गया। तो ऐसे आप किसी को भी व्हाइट लिस्ट कर सकते हो और अगर रिमूव करना है तब सेम वैसे ही रिमूव भी कर सकते हो, बस ऐड के जगह मेंटेनेंस ऐड के जगह रिमूव लिख देना, मेंटेनेंस रिमूव लिख के जिसको भी रिमूव करना है उसका नाम लिख के इंटर कर दोगे तो वो रिमूव भी हो जाएगा और वो मतलब डीओपी होके ज्वाइन नहीं कर पाएगा मेंटेनेंस के टाइम पे। ठीक, तब ऐसे ऐड और रिमूव कर सकते हो। बाकी इसके अलावा समझ लो आपका सर्वर अभी पब्लिक है पर आज रात 12 बजे से कल सुबह 6 बजे तक आप मेंटेनेंस पे करना चाहते हो, ठीक, तब टाइमर भी सेट कर सकते हो। समझ लो आप कैलकुलेट कर लो, अभी समझ लो 4 बज रहा है और आप रात के 12 बजे का मतलब मेंटेनेंस पे डालना चाहते हो तो टोटल 8 घंटे है, तो 8 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेना। तो समझ लो कितना भी मिनट है, मैं समझ लो 10 मिनट बाद मैं मेंटेनेंस पे सर्वर को डालना चाहता हूँ, उसको शेड्यूल करके दिखा रहा हूँ। ठीक, आप वैसे ही कितने भी घंटे हो उसको मिनट में कन्वर्ट करके आप मेंटेनेंस पे शेड्यूल कर सकते हो। ठीक, तो मैं उसके लिए आपको लिखना है स्लैश मेंटेनेंस स्पेस स्टार्ट टाइमर, यहाँ पे एस लिख के स्टार्ट टाइमर स्पेस, आप मिनट में कितना भी लिख सकते हो। जैसे आप 60 लिख दोगे तो 1 घंटा बाद आपका सर्वर मेंटेनेंस पे चला जाएगा, पर मैं एग्जांपल के लिए 1 लिख देता हूँ, चाहे 10 लिख दो तो आपका 10 मिनट 10 लिख के इंटर कर दूंगा तो मेंटेनेंस ऑलरेडी अभी इनेबल है, पहले तो आपका सर्वर मतलब मेंटेनेंस पे नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं मेंटेनेंस को ऑफ कर देता हूँ, एक मिनट, ये ऑन की जगह मैं ऑफ लिख दिया, ऑफ है। अब मेरा सर्वर मेंटेनेंस पे पहले से नहीं है और मैं शेड्यूल करना चाहता हूँ तो मैं स्लैश मेंटेनेंस स्टार्ट टाइमर और 10 जो है वो 10 मिनट है, आपको 2 घंटे के लिए 2 घंटे बाद मेंटेनेंस पे डालना है, तब 120 लिख देना है, 60 120 मिनट बाद आपका सर्वर मेंटेनेंस पे चला जाएगा। ठीक, तो मैं 10 लिख के इंटर कर दूंगा तो अब मेंटेनेंस मोड विल बी इनेबल इन 10 मिनट, मतलब 10 मिनट बाद हमारा सर्वर मेंटेनेंस पे ऑटोमेटिक चल जाएगा। पर समझ लो आपने मेंटेनेंस पे डाल दिया पर आपको करना नहीं अभी मेंटेनेंस बाद में डालेंगे, इसको अबॉर्ट करना है, तो आप वहां पे बस मेंटेनेंस स्पेस अबॉर्ट टाइमर लिख के इंटर कर दोगे जो जो भी आपका है द करेंटली टाइमर हैज बीन डिसेबल, मतलब ये जो हमने टाइमर लगाया था वो डिसेबल हो गया, अब आपका 10 मिनट बाद मेंटेनेंस पे नहीं जाएगा। और अब समझ लो आपका सर्वर यहाँ पे स्टार्ट ऑन है, पहले से आपका सर्वर मेंटेनेंस पे है और आपने जो भी मेंटेन आपको करना होगा आपने कर लिया है, अब आपको 10 मिनट बाद आपको या फिर 12 1 बजे एग्जैक्ट टाइम पे आपको सर्वर को मेंटेनेंस से हटाना है तो उसको भी आप शेड्यूल कर सकते हो। ठीक, उसके लिए आपको बस जो स्टार्ट टाइमर के जगह लिख देना आपको एंड टाइमर। ठीक, अब स्लैश मेंटेनेंस स्पेस एंड टाइमर, फिर कितने मिनट बाद आपका सर्वर का मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा वो लिख दो। ठीक, तो समझ लो मैं यहाँ पे 10 अगेन लिख देता हूँ, 10 मिनट बाद हमारा सर्वर मेंटेनेंस से हट जाएगा, तो अब 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक आपका सर्वर मेंटेनेंस से हट जाएगा और वो पब्लिक हो जाएगा। और जब ये आप एंड टाइमर लगा दोगे ना तो उसके बाद अगर बंदे ज्वाइन करने के लिए देखेंगे उनको यहाँ पे टाइम भी दिखाएगा कि करेंटली अंडर मेंटेनेंस और कम बैक इन 9 मिनट 49 सेकंड, रिफ्रेश करोगे तो 42 सेकंड, मतलब यहाँ पे टाइमर भी अब दिखाने लगेगा कि इतना मिनट बाद आपका सर्वर कम बैक हो जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर पाओगे। स्टार्ट टाइमर करोगे तो यहाँ पे नहीं लिख के आएगा कि इतना मिनट बाद आपका सर्वर मेंटेनेंस पे जाने वाला है, बट जब एंड टाइमर करोगे तो ये आपको लिख के आएगा कि इतना मिनट बाद हमारा मेंटेनेंस खत्म होने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, तो ये बहुत बढ़िया फीचर है। बाकी यहाँ पे अगर आप मेंटेनेंस लिख के स्पेस हो गए तो बहुत चीज है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट आपको और डिटेल में जानना है, जैसे कि यहाँ पे जो हम बैक करके देखते हैं यहाँ पे जो लिख के आया कम बैक इन इतना या फिर अंडर मेंटेनेंस जो स्टार्टिंग में लिख आया था वो भी अगर आपको चेंज करना है तो वो सब भी कर सकते हो, बट वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ऑलरेडी लिख आता है वही सही है, बट अगर आपको चेंज करना है तो ये जो वेबसाइट का लिंक है जहाँ आप प्लगइन डाउनलोड करोगे या फिर एटर्नल में जब आप प्लगइन सर्च करोगे तो यहाँ पे भी आप लिंक क्लिक करोगे तो यही वाला जो ये वेबसाइट है यहाँ पे खुल जाएगा। तो आप इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे सारे कमांड आपको मिल जाएगा जिसमें मैंने ऑन ऑफ ऐड वाला वाइड लिस्ट वाला स्टार्ट टाइमर एंड टाइमर इंपॉर्टेंट बता दिया है, ये शेड्यूल वही है, अबॉर्ट टाइमर भी बता दिया, बस आप सेट मोडी का ये कमांड है, अगर आपको अलग मैसेज सेट करना है तो ये करना और कौन सा मोडी पहले से सेट है उसके लिए आप ये कमांड से चेक कर सकते हो और बाकी अपडेट और डम सेम है। अगर आप अपने एडमिन को परमिशन देना चाहते हो कि वो ऑन ऑफ कर पाए तो उसके लिए आप यहाँ से
परमिशन जैसे मेंटेनेंस एडमिन का, मेंटेनेंस कमांड का, मेंटेनेंस टॉगल का, रीलोड का भी दे सकते हो, अपडेट का भी, मतलब जो जो आपको यहाँ से परमिशन देना हो आप करके वो परमिशन अपने एडमिन के रैंक में दे सकते हो। मैं अलग से बता नहीं रहा हूँ, आप वेबसाइट में खुद चेक कर लेना। जो जो इंपॉर्टेंट कमांड है वो मैंने बता दिया, एक और बाकी है वो मैं बता देता हूँ कि आपने बहुत बंदों को वाइट लिस्ट करके रखा है, पर आपको चेक करना है कि आप वाइट लिस्ट कौन कौन पहले से वाइट लिस्ट है। तो आप सिलेक्ट मेंटेनेंस लिखे वाइट लिस्ट लिखोगे तो कौन कौन बंदे पहले जो वाइट लिस्ट है उनका लिस्ट आ जाएगा। अभी मेरे सर्वर में कोई वाइट लिस्ट नहीं है तो मेंटेनेंस वाले में किसी का नाम नहीं आया है। ठीक, जैसे कि मैं अपना नाम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एक मिनट, ऐड यहाँ पे, ऐड संजीव गेमिंग वाईटी, और उसके बाद अगर मैं आपको वाइट लिस्ट करूँ तो देखो मेरा नाम आ रहा कि ये बंदा पहले से वाइट लिस्ट है, और जितने बंदे वाइट लिस्ट करके आप रखोगे सबका नाम यहाँ पे आ जाएगा। आप देख लो, जो जिनको रखना है रखो, जिनको रिमूव करना है उनको रिमूव कर दो। तो बस इतना इजिली आप अपने सर्वर को मेंटेनेंस पे डाल सकते हो, और मेंटेनेंस पे डाल के उसको मतलब ऑफिशियली मेंटेनेंस करके उसको यूज कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दो, और उसके बाद टाइमर लगा दो कि इतना टाइम पे आपका सर्वर मेंटेनेंस ऑटोमेटिक हट भी जाएगा। वाओ, तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, और डार्क होस्टिंग का प्रीमियम सर्वर अगर आपको ट्राई करना है तो जरूर करना, देख लो मैं काफी स्पीड है, और लिंक आपको इसका डिस्कॉर्ड लिंक, इनका डिस्कॉर्ड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू एंड बाय बाय।